समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह रामलला के दर्शन कर जिस तरह रो रहे थे, उतना ही इन तस्वीरों को देखकर बेचैन हो रहे थे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे राम मंदिर में जितनी देर तक रुके उससे कहीं ज्यादा परेशान हुए अखिलेश यादव। भगवान राम के विरोध का साइड इफेक्ट क्या होता है? 24 के चुनाव से पहले इंडी गठबंधन इसे अच्छी तरह महसूस कर रहा है। जिसने भी राम लला का विरोध किया उसी का विरोध कर दलों के दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिल गए। मगर अब अखिलेश यादव पर कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि लेटेस्ट झटके ने उनकी चुनावी तैयारियों का गणित ही बिगाड़ दिया। अब लगता है कि रामलला कारण बने आप गए नहीं समर्पित होने के लिए अयोध्या, और एमएलएज को जाने नहीं दिया जब यहां से दिखाने के लिए और मत्था टेकने के लिए सब गए, तो कहीं ना कहीं राम के नाम पर बीजेपी में चले गए। मैं हिंदू हूं, सनातन धर्मी हूं, भगवान को मानता हूं, सब भगवानों को मानता हूं, जितने अवतार हैं उनको मानता हूं, देवी देवताओं को मानता हूं मैं, और मेरा मानना है और मेरे से जैसे बहुत सारे लोग हैं वो यही मानते हैं कि जब बुलावा आता है तब जाएंगे हम, जब अपने आप मन करेगा हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। आप कहें जबरदस्ती जाएंगे, क्यों जाएं हम जबरदस्ती? यूपी से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे सनातन के नाम पर सरकारें बन रही हैं और गिर रही हैं, किस तरह नेता बगावत पर उतर आए हैं, इसकी पैन इंडिया पिक्चर आपको दिखाएंगे। मगर पहले अखिलेश यादव का हाल, जिन्होंने सीक्रेट एजेंट के तहत अपने विधायकों को राम मंदिर जाने से रोक लिया मगर बगावत नहीं रोक पाए। मीडिया के कैमरे से लेकर सोशल मीडिया प्रोफाइल तक किसी ने रामलला के दर्शन किए तो किसी ने भगवान राम की फोटो पोस्ट कर अखिलेश यादव की पार्टी की लाइन से अलग एक नई लकीर खींच दी। ये अलग बात है कि उनकी अंतरात्मा का जरिया राज्यसभा चुनाव बना। हम लोग उपस्थित होना चाह रहे थे, देखिए पहले तो हम लोगों को न्योता ही नहीं मिला 22 तारीख का, उसके बाद उस पर हम लोगों ने कहा अपने विधानसभा अध्यक्ष से हम लोगों को लेकर के चलिए। विधानसभा अध्यक्ष जी ने पूरे खुले हाउस में सबको न्योता दिया, निमंत्रण दिया कि आप सब लोग चलिए, जो जो विधायक जाना चाहते हैं। सारे दलों के विधायक गए, हमारे दलों के विधायकों को रोक दिया गया, इससे हम लोग बहुत आत्मिक कष्ट हुआ, ये उचित नहीं था। नहीं बिल्कुल, मैंने प्रयास किया था और मैंने दल की बैठक में भी मैंने मुख्य सचेतक के रूप में ये मांग की थी कि सभी विधायकों को दर्शन कराया जाए। हमें दुख है इस बात का, अफसोस है हमें कि हमें हम सबको भगवान राम के दर्शन के लिए रोक दिया गया। हमने कहा जैसे हम लोग माँ बाप की सेवा करते हैं, घर से आते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उसी तरीके से चाहे भगवान राम हो, चाहे माता सीता हो, चाहे हनुमान जी, हम तो घर से निकलेंगे, जाएंगे, प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। वोटों के कैलकुलेशन में अखिलेश यादव इस कदर उलझ गए हैं कि वो ना तो भगवान राम का विरोध कर पा रहे और ना ही अयोध्या दर्शन करने जा रहे। 22 जनवरी को उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था मगर वो नहीं गए। 11 फरवरी को यूपी के विधायक रामलला के दर्शन करने गए, उस वक्त भी अखिलेश ने दूरी बना ली। 40 दिन होने को है, 70 लाख से ज्यादा राम भक्त देश के कोने कोने से पहुंच चुके हैं, इसके बाद भी अखिलेश को लगता है कि उन्हें राम मंदिर से दर्शन का बुलावा नहीं आया। ये वही यूपी है जिस अयोध्या धाम का नाम लेने से पिछली सरकारें कतराती थी, वहां जाने से उनकी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती थी। आज उसी अयोध्या में सब लोग दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा है, प्रभु तो सबके हैं और राम किसी को बुलाते नहीं, राम का बुलावा तो एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है, इसलिए वहां तो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जाना चाहिए, वहां बुलाने का आमंत्रण नहीं के इंतजार नहीं करना चाहिए। इन 40 दिनों में अखिलेश ने क्या किया पहले वो देखिए। कहीं शादी समारोह में शामिल हुए तो कभी भोज करने पहुंच गए, कभी चुनाव की तैयारियों में बिजी रहे तो कभी योगी सरकार को घेरने के चक्कर में ऑन लोकेशन पर थे, यानी अखिलेश के पास भरपूर वक्त था मगर रामलला के लिए नहीं। अखिलेश लखनऊ से 142 किलोमीटर दूर कन्नौज पहुंच गए मगर 135 किलोमीटर दूर अयोध्या उन्हें ज्यादा दूर लगी। 635 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में शामिल होने का टाइम था मगर रामलला के लिए 5 मिनट भी नहीं। 250 किलोमीटर दूर मैनपुरी में भगवान शिव के मंदिर के लिए वक्त निकाला मगर 135 किलोमीटर दूर अयोध्या जाने का बुलावा नहीं आया।
150 किलोमीटर दूर बलरामपुर का दौरा किया, मगर अयोध्या का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दिया। लखनऊ से 225 किलोमीटर दूर इटावा में शादी समारोह में शामिल होने का वक्त निकाल लिया, मगर भगवान राम के मंदिर के लिए समय नहीं निकला। अखिलेश अब भी क्लियर नहीं बता रहे वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कभी उनके सहयोगी रहे अब एनडीए की डगर पकड़ रहे हैं। आस्था के नाम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जो 500 वर्षों का इंतजार था वो माननीय मोदी जी ने खत्म कर दिया है। लोगों के प्रति जो आज अयोध्या में आबादी आ रही है, लोग आ रहे हैं जिस हिसाब से, ये इसमें लड़ने की आवश्यकता नहीं ना, इसमें मोदी जी स्वयं चुनाव जीत चुके हैं। अयोध्या के जो विकास हुआ है, आपको एयरपोर्ट मिल गया, इससे बड़ा क्या होगा, इंटरनेशनल आपको वो देखिए मिल गया, ये आपका जो रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए, आप एयरपोर्ट से खूबसूरत तो रेलवे स्टेशन बना दिया, आप और क्या चाहते हैं, आप भीड़ जाइए अयोध्या में देखिए, टूरिस्टों की भीड़ देखिए आप। अखिलेश यादव ने अपना राजनीतिक द्वेष के कारण उन्होंने दर्शन नहीं किया, ये गलती है जिनका पछतावा उनको 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राम मंदिर के विपक्षी, क्या नाम उनका, वो जाकर के दर्शन कर सकते हैं। इकबाल अंसारी साहब, सोचिए वो मुकदमे में विपक्षी थे, वो उनको काट गया, वो बाकायदा हुआ है और इनको काट दिया गया, ये आए तक नहीं। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर वो राम मंदिर जाएंगे तो मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर चला जाएगा, क्योंकि यूपी की 20% मुस्लिम आबादी में से 30% ने 2009 में समाजवादी पार्टी को वोट किया था। 2014 में आंकड़ा तेजी से बढ़ा और 58% मुसलमानों ने अखिलेश यादव की पार्टी को लोकसभा चुनाव में सपोर्ट किया। 2019 में SP-BSP के गठबंधन को 73% मुसलमानों ने वोट किया था। अखिलेश ने इसी वोट बैंक को देखते हुए PDA का गठन किया, मगर राम मंदिर ने उनकी राजनीति गड़बड़ कर दी। ये कभी नहीं हो पाया था, कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन आज संभव हुआ। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम इस भव्य रूप में आ पाएगा, कभी कल्पना थी, आज हकीकत है। पहले सोचते भी थे, कोई नारा भी लगाता था तो सरकारें प्रताड़ित करती थी, झूठे मुकदमों में फंसाती थी, लेकिन आज सरकार पहल करके दर्शन करने की व्यवस्था करवा रही है, सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और अयोध्या तो पहले गया होगा, आज से 2-3 साल पहले अयोध्या गया होगा, और आज की अयोध्या को देखिए, एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं, एकदम ऐसा लगता है मेरा काली अयोध्या आ रही है। अखिलेश की तरह ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का गणित भी राम मंदिर ने बिगाड़ दिया और इसके सूत्रधार हैं विक्रमादित्य सिंह। याद कीजिए 22 जनवरी की इन तस्वीरों को, सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की ना के बाद भी विक्रमादित्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे और अयोध्या की तस्वीरें शेयर कर कट्टर सनातनी होने का सबूत दिया। विक्रमादित्य ने तब हिमाचल प्रदेश में रामराज जलाने की बात कही और फिर एक महीने बाद सूबे की सियासत में ऐसा भूचाल आया जिसका समाधान कांग्रेस को फिलहाल मिलता नहीं दिख रहा। कहा यही जा रहा है कि राम के नाम का विरोध हिमाचल में भी कांग्रेस को भारी पड़ जाएगा। जिस तरीके से अभी पीछे बहुत बड़ी आपदा हिमाचल में आई, करोड़ों रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ, प्रदेश की संपदा को हुआ, तो प्रभु राम से यही निवेदन करूंगा कि आने वाला साल खास करके हिमाचल के लोगों के लिए उन्नति भरा हो। एक तो मोदी लहर और ऊपर से राम मंदिर का इम्पैक्ट, बीजेपी इस माहौल को अपने फेवर में मान रही है। यही वजह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में राम मंदिर के जरिए वोटरों को एकजुट कर रहे हैं, तो पीएम मोदी यूपी के बाहर सनातनी झंडा बुलंद कर रहे हैं। बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने परिवारवाद पर सवाल उठाए तो राम मंदिर के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि अगर सनातनी एक हो जाए तो फिर मोदी विरोधी मोर्चा कुछ नहीं कर पाएगा। पहले अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार जिस आनंद में डूबा, बिहार के लोगों ने जैसा उत्सव मनाया,
रामलला को जो उपहार भेजे हैं, मैं वो खुशी आपसे साझा करने आया हूं। 24 के चुनाव में रामलहर बहुत बड़ा असर करेगी, ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिन के भीतर नीतीश ने तेजस्वी और कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र सांसद रही गीता कोड़ा अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीएम रहे अशोक चव्हाण ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राम मंदिर के विरोध को ही जरिया बना रही है। ये हाल तब है जब टाइम्स टाउन ऑफ भारत और मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन का देशव्यापी सर्वे भी राम मंदिर पर इसी तरह के इशारे करता है। इस सर्वे के मुताबिक 44% लोग मानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जबकि 32% लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर इम्पैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। 12% लोग किसी तरह का फर्क नहीं मानते। 10% लोग बीजेपी को नुकसान बता रहे हैं, जबकि 2% की राय कुछ भी नहीं है। इसी सर्वे में शामिल रहे लोगों ने बीजेपी और गठबंधन को यूपी में 77 सीटें मिलने का अनुमान जताया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटें मिलने की उम्मीद जताई, जबकि बीएसपी के खाते में 0 सीट मिलने की बात कही। गौर करने वाली बात ये कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन करने वाले अरविंद केजरीवाल नेशन के इसी मूड को समझते हैं, इसीलिए विपक्षियों की दूरी बनाने के बाद भी वक्त रहते राम मंदिर जा चुके हैं। बीजेपी के साथ ही बीजेपी के साथ जाएंगे। क्यों? तो बहुत काम किया उसने। अच्छा, राम मंदिर की वजह से महाराष्ट्र में भी माहौल बदला हुआ है। बहुत माहौल बदला है। बहुत क्या क्या बदला है जरा बताइए। गुंडागिरी खत्म हो गए। ममता जी का एरिया से अभी बोल रहा है मोदी सरकार जीतेगा, मोदी सरकार जीतेगा, बीजेपी कोलकाता में बीजेपी जीतेगा, बीजेपी आएगा। प्रदेश तक लहर पहुंच गई है। बिल्कुल, मैं सतना से हूं, गणेश कछवाहा हूं। अच्छा, हाँ, तो उधर क्या माहौल है? वहाँ पर पूरा आ रहे हैं मोदी जी, इस बार सिर्फ मोदी जी मोदी। 2024 उनका तय है, फाइनल है। साउथ इंडिया में भी मोदी मोदी हो रहा है? हाँ सर, वहाँ पे भी वही हो रहा है। जिस दिन पूछा यहाँ पे ओपनिंग हुआ, उस दिन तो सब पेंडल डाल के सब लोग मनाए, सब मोदी का ही जय जय कर रहे हैं। अगर लोगों के बस में 5 वोट डालने को होता ना, 5 वोट देते मोदी जी को, ऐसा काम हुआ है। मोदी जी को 5 वोट एक आदमी डाल, एक आदमी देता, अगर देने की इच्छा होती बस एक ही देगा। 400 ही कह रहे हैं आप लोग, तो एकदम 750 इसी में 400 से ऊपर सीट आएगी। सभा की सीट भी इधर ही कर देंगे आप। 400 से ऊपर सीट आएंगी। 24 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि साउथ इंडिया में भी फर्क पैदा कर सकता है। इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी दक्षिण भारत में राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। सनातन का विरोध करने वालों को सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी को लगता है कि अगर राम लहर काम कर गई तो फिर 400 पार का मिशन पूरा करने में दिक्कत नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।